इसका सवाल अलग से भी आता है लर्निंग कर्व का, और कभी कभी आपके पास जो है वो लर्निंग कर्व का सवाल दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलकर भी आता है। अब लर्निंग कर्व में करना क्या है, देखो लर्निंग कर्व का जो टॉपिक है ना वो लेबर की जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, लेबर की जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उससे पर्टेन करता है। अच्छा, जब हम लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम करते ये हैं कि हम नंबर ऑफ आवर्स देखते हैं कि कितने घंटे काम हुआ, और जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स होते हैं ना उसको एक स्पेसिफिक आली रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ आवर्स को आली रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब लेट से मिसाल ले लो कि मैंने जो है ना एक लेबर हायर करा, और उस एक स्पेसिफिक लेबर को हायर कर कर मैंने उसको बोला जनाब आप मेरे लिए जो है ना एक स्पेसिफिक टेबल बना दो। ठीक है, उस बंदे ने, मैंने उससे पहली टेबल बनवाई, फर्स्ट टेबल बनवाई, उसने बोला कि ये टेबल जो है ना ये 5 घंटे में बनेगी और 1 घंटे के मैं $20 या 20 रुपीज लूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो 5 घंटे ले रहा है और 1 घंटे के मैं $20 या 20 रुपीज दे रहा हूँ, 20 रुपीज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरा जो खर्चा होगा ना वो 5 × 20 यानी कि 100 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो खर्चा होगा वो 100 रुपीज हो रहा होगा। एग्री। अच्छा, अब मैंने इससे एक और टेबल बनवाई, सेकेंड टेबल बनवाई, और वो जो सेकेंड टेबल है ना उसका नक्शा बिल्कुल सेम है, यानी कि डिज़ाइन में, शेप में, हर लिहाज से ये दूसरी टेबल भी वैसी ही है, जैसी पहली टेबल थी। तो अब मुझे प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली मुझे बताओ कि क्या सेकंड टेबल भी 5 घंटे में ही बनेगी। इसकी मिसाल तुम यूं भी ले सकते हो कि लेट से अगर मैं कोई बुक रीड करता हूँ और उस बुक की बुक को पहली बार मैं रीड करता हूँ तो बुक को पहली बार रीड करने में मुझे 5 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं अगर उसी बुक को दूसरी बार रीड करता हूँ, तो 5 घंटे नहीं लगते हैं, कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। ऐसा है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर इस कारपेंटर ने पहला टेबल 5 घंटे में बनाया तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई दोबारा से सेम तरह का ऐसा ही टेबल बनाओ तो वो टेबल 5 के बजाय में भी 4.5 घंटों में बन जाएगा, और ये $20 या 20 रुपीज़ मुझसे 1 घंटे के लेता है, तो अब दूसरी बार मेरा यही काम 90 रुपये में हो जाएगा। होता क्या है कि भाई लेबर की लर्निंग होने की वजह से दूसरी बार सेम काम, एक ही जैसा काम करने में कंपैरेटिव बेसिस पर कम टाइम कंज्यूम होता है। ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है और होना भी चाहिए कम टाइम कंज्यूम, इसलिए क्योंकि आप सेम रिपीटेटिव नेचर का काम कर रहे हो। फिर मैंने इस बंदे को बोला भाई एक और टेबल बनाओ, यानी कि थर्ड टेबल बनाओ, और वो थर्ड टेबल जो हो ना वो भी ऐसी ही नज़र आनी चाहिए और ऐसी ही हो। तो इसमें बोला बन जाएगी, और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, तो मेरा खर्चा जो होगा अब 4 घंटे का 20 के हिसाब से 80 का खर्चा होगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब हो ये रहा है कि हर अगली टेबल बनाने से जो टाइम है ना वो कंपैरेटिव टर्म्स पर रिड्यूस हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भाई रिडक्शन इन टाइम, टाइम में रिडक्शन हो रही है, टाइम रिड्यूस हो रहा है, टाइम में कमी हो रही है, रिडक्शन इन टाइम। जैसे जैसे हम नया टेबल, जैसे जैसे हम सेम तरह का एक और चीज़ बनाएंगे तो हमें जो कंपैरेटिव बेसिस पर वक्त लगेगा, कंपैरेटिव बेसिस पर जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 4.5 लग रहे हैं, फिर 4 घंटे लगेंगे, और हमारे इसी वजह से पैसे भी बचते जाएंगे। अब लेट से मैंने इसको बोला भाई एक और टेबल बनाओ, तो इससे चौथा टेबल बनाया, ठीक है ना। अब कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मेरी लर्निंग रुक जाएगी, यानी कि कारपेंटर ने ये बोला कि सही है भाई पहली चीज मैंने 5 घंटे में बनाई थी, दूसरी वैसी ही चीज थी तो 4.5 घंटे में बन गई, तीसरी वैसी ही चीज थी तो 4 घंटे में बन गई,
अब अगर चौथी बार तुम इसी तरह की चीज बनवाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि वक्त बस कम होता ही चला जाए, 3.5, 3, 2, 2.5, 1.5, और फिर हाथ रखूं तो टेबल बन जाए, ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली नहीं होता। तो होगा क्या कि एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि भाई चौथा टेबल भी जो है ना वो 4 घंटे में ही बना, यानी कि शुरू में टाइम की रिडक्शन हो रही थी, और फिर एक पॉइंट आ जाता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाता है वेयर वेयर लर्निंग वेयर लर्निंग स्टॉप्स। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर आपकी लर्निंग जो है ना वो मजीद होने से रुक जाती है, अब मजीद लर्निंग नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या हो रहा था कि यूनिट्स के अगले यूनिट पर गए तो कम टाइम लगा, फिर और अगले यूनिट पर गए तो और कम टाइम लगा, फिर और अगले यूनिट पर गए तो और कम टाइम लगा। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जहां पर आपके पास फर्दर रिडक्शन इन टाइम जो है वो मुमकिन नहीं होती। अब ये जो हमने यहाँ पर बात समझी है कि भाई लेबर जो है वो जब रिपीटेटिव टास्क करता है, सेम तरह की टास्क करता है, सेम तरह का काम करता है, तो उसको अगली बार वही काम करने में कम वक्त लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको हम लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास लेबर की लर्निंग हो रही है, हर अगला यूनिट वो बना रहा है तो उसको कंपैरेटिव बेसिस पर कम टाइम कंज्यूम हो रहा है, और इसको हम कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर लेबर की जो लर्निंग है ना वो हो रही है। लेबर जो है वो वक्त के साथ साथ एक ही चीज़ बार बार करता है तो अगली बार काम करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है। दूसरा एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर लेबर की लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा, अब आपके जो सवाल आएंगे उसमें सिंपली आपको ये टोटल कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है ना ये करनी होगी। ठीक है ना? और जनरली आपके पास सवालों में जो आर्ली रेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा, भाई 1 घंटे के 20 डॉलर दे रहा हूँ। आपको मेन काम क्या करना होगा? आपको मेन काम ये करना होगा कि आपको वो बोलेगा कि भाई लेबर 4 यूनिट बना रहा है, 5 यूनिट बना रहा है, 6 यूनिट बना रहा है, उसको कितने आवर्स लग रहे हैं ये चीज़ बताओ। तो आपका ये जो है ना ये आपका एरिया ऑफ फोकस है, आपका एरिया ऑफ फोकस जो है ना एरिया ऑफ फोकस वो ये वाला पॉइंट है, यानी कि जो लेबर के नंबर ऑफ आवर्स है ना उस पर सारा काम हो रहा होगा, लेबर के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उस पर सारा काम हो रहा होगा। तो ये आपका मेन एरिया ऑफ फोकस होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दो तरह से सवालात पूछे जाएंगे, या दो तरह की आप कह लो कि अप्रोचेस होंगी, दो तरह के तरीके होंगे। हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें उन तरीकों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे देता हूँ कि क्या दो तरह के मेथड्स या दो तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं सवाल को सॉल्व करने की। तो मेथड नंबर वन आपका एक मेथड है, मेथड नंबर वन वो कहलाता है टेबल अप्रोच। मेथड नंबर वन जो है ना वो कहलाता है आपका टेबल अप्रोच, ये पहला मेथड है। मेथड नंबर वन जो है ना वो कहलाता है टेबल अप्रोच। ठीक है, मेथड नंबर वन आपका कहलाता है टेबल अप्रोच। अच्छा सर, टेबल अप्रोच में क्या होगा? टेबल अप्रोच में आपके पास जो है ना वो टेबल अप्रोच में अमूमन आपने 3 कॉलम्स बनाने होंगे। ठीक है, टेबल अप्रोच में अमूमन आपने 3 कॉलम्स बनाने होंगे, और वो कॉलम्स क्या होंगे? एक आपके पास यूनिट्स का कॉलम होगा, एक आपके पास एवरेज टाइम का कॉलम होगा, और एक आपके पास कॉलम होगा टोटल टाइम का। ठीक है जी, 3 कॉलम्स होंगे। क्या 3 कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स होंगे आपके पास यूनिट्स का कॉलम, एवरेज टाइम का कॉलम और टोटल टाइम का कॉलम। मेथड नंबर वन टेबल अप्रोच कहलाएगी। टेबल अप्रोच में ये 3 कॉलम्स होंगे, जरा ध्यान से सुनना, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, पिक्चर ले लेना, बाद में कॉपी करते रहना, अभी तुम ध्यान से चीजें सुनो। अच्छा, टेबल की एक प्रॉपर्टी होगी। सर वो क्या प्रॉपर्टी होगी? टेबल मल्टीपल ऑफ टू में चलेगा। टेबल की प्रॉपर्टी होगी कि टेबल मल्टीपल ऑफ टू में चलेगा।
टेबल की एक प्रॉपर्टी होगी कि टेबल मल्टीपल ऑफ टू में चलेगा, यानी कि टेबल आपको एक यूनिट का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको दो यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको चार यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको 8 यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है। ठीक है, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, टेबल इस तरह से चल रहा होगा। तो टेबल आपको एक यूनिट का एवरेज और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको दो यूनिट्स का एवरेज टाइम और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको चार यूनिट्स का एवरेज टाइम और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको 8 यूनिट्स का एवरेज टाइम और टोटल टाइम दे सकता है, टेबल आपको 5 यूनिट्स का एवरेज और टोटल टाइम नहीं दे सकता है, टेबल आपको 7 यूनिट्स का एवरेज टाइम और टोटल टाइम नहीं दे सकता है। टेबल हमेशा मल्टीपल ऑफ टू में चलेगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से। दूसरा सवाल में आपके पास जो है ना वो लर्निंग का कोई रेट दिया हुआ होगा, सवाल में आपके पास लर्निंग रेट दिया हुआ होगा, सवाल में आपके पास लर्निंग रेट दिया हुआ होगा। मान लो लेट से 80% का लर्निंग का रेट दिया हुआ है, मान लो 80% लर्निंग का रेट दिया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा रीजन हम बाद में इसकी डिस्कस करते हैं। फिर खैर टेबल में एक और चीज लेट से आपको बताइए कि फर्स्ट यूनिट यानी कि जो पहला यूनिट बनता है ना, पहला यूनिट जो बनता है कंपनी का वो 100 घंटे में बनता है। कितने घंटे में बनता है पहला यूनिट, कितने घंटे में बनता है? 100 घंटे में बनता है। पहला यूनिट कितनी देर में बनता है? 100 घंटे में बनता है। अब लेट से मुझे ये टेबल कंप्लीट करना है, लेट से मुझे ये टेबल जो है ना वो फिल करना है। अब मुझे बताओ कि अगर सवाल ये कह रहा है कि फर्स्ट यूनिट 100 घंटे में बनता है, तो यूनिट्स में जहां पर 1 लिखा हुआ रहा है उसके सामने टोटल टाइम भी 100 होगा और एवरेज टाइम भी 100 होगा। एग्री, यूनिट्स में जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर जो टोटल टाइम होगा वो भी 100 होगा और जो एवरेज टाइम होगा वो भी 100 होगा। एग्री, यूनिट्स में जहां पर आपके पास 1 लिखा हुआ है उसका एवरेज और टोटल टाइम दोनों 100 100 होंगे, दोनों 100 100 होंगे। क्लियर हो गई बात? सही है ना? अच्छा फिर अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखो मैं पहले आपको पूरा सिखाता हूँ, फिर जब हम पास पेपर्स के सवाल करेंगे तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। अभी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी सी अवॉइड करो, पहले दोनों अप्रोचेस को समझ लो, फिर अपने सवाल मेरे सामने लेकर आना। देखो लर्निंग का रेट दिया होगा ना 80%, लर्निंग का रेट जो 80% दिया होगा ना उसका क्या इस्तेमाल करना है भाई? टेबल ने मुझे ये बताया कि पहला यूनिट 100 घंटे में बनता है, तो 1 यूनिट का टोटल टाइम भी 100 हो गया और एवरेज टाइम भी 100 हो गया। अब ये जो लर्निंग का रेट दिया हुआ है जो कि 80% है, जो लर्निंग का रेट दिया हुआ है जो कि 80% है, ये अप्लाई होगा एवरेज टाइम पर, ये अप्लाई होगा एवरेज टाइम पर। यानी कि आप 100 का 80% लो, आप 100 का 80% लो, 100 का 80% कितना बनता है? 100 का 80% कितना बनता है? 80 बनता। सही है, तो यहां पर 80 लिख दो। इसके बाद दोबारा से लर्निंग का रेट 80% है, तो दो यूनिट्स का जो एवरेज टाइम है 80, 80 का 80% लो, 80 का 80% कितना बनता है? 80 का 80% कितना बनता है? 80 का 80% कितना बनता है बताओ? 80 का 80% लोगे कितना बनेगा? 64। फिर वापस से 64 का 80% लो, 64 का 80% लो, 64 का 80% लो, 64 का 80% कितना बनता है? 51.2। तो आपने जो लर्निंग का रेट है वो किस पे अप्लाई करना है? लर्निंग का रेट किस पे अप्लाई करना है? लर्निंग का रेट अप्लाई करना है एवरेज टाइम पर। लर्निंग का रेट किस पे अप्लाई करना है? लर्निंग का रेट अप्लाई करना है एवरेज टाइम पर। लर्निंग का रेट किस चीज पर अप्लाई करना है? लर्निंग का रेट अप्लाई करना है एवरेज टाइम पर। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज पता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई यूनिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज टाइम। आपको ये बात पता है ना भाई, टोटल टाइम को हम कभी भी यूनिट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज टाइम आ जाता है। एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम को यूनिट से डिवाइड करना होता है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज टाइम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज टाइम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? तो अब इस हिसाब से अगर हम चलते हैं ना और अपना टेबल कंप्लीट करते हैं, तो कोई मुझे क्या दो यूनिट्स का टोटल टाइम बता सकता है? कोई मुझे क्या दो यूनिट्स का टोटल टाइम बता सकता है? दो यूनिट्स का टोटल टाइम कैसे आएगा? 2 × 80 यानी कि 160।
उसके बाद 4 यूनिट्स का टोटल टाइम कैसे आएगा, 4 × 64, 4 × 64 कितना बनता है, 4 × 64 कितना बनता है, 4 × 64 कितना बनता है भाई, 4 × 64 बनता है 256। इसी तरह से 8 × 51.2, 8 × 51.2, 8 × 51.2 कितना बनता है, 409.6, 409.6। ये आपकी टेबल अप्रोच है, ये आपका मेथड नंबर वन है, ये आपकी टेबल अप्रोच है, ये आपका मेथड नंबर वन है। मैं ज़रा रिपीट कर दूं, देखें टेबल अप्रोच में आपको लर्निंग का रेट दिया हुआ है 80% और पहले यूनिट पर कितना टाइम लगेगा वो दिया हुआ है। दूसरी बार टेबल मल्टीपल ऑफ टू में चलता है, यानी कि 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 8 यूनिट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लर्निंग का रेट होगा वो एवरेज टाइम पर अप्लाई होगा। तो 100 का 80% लिया, 80 आया, फिर 80 का 80% लिया, 64 आया, फिर 64 का 80% लिया, 51.2 आया। टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए एवरेज टाइम को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास हमेशा का टोटल टाइम जो बन रहा है वो आ गया। तो इस तरह से ये आपकी टेबल की जो अप्रोच है ना, ये काम करती है। टेबल अप्रोच मैं वापस से तीन बार चार बातें रिपीट करूंगा, मल्टीपल ऑफ टू में चलेगा, यानी कि 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 8 यूनिट। टेबल अप्रोच में आपके पास पहले यूनिट का टाइम दिया हुआ था 100 घंटे, तो पहले यूनिट का अगर टोटल टाइम 100 घंटे तो एवरेज टाइम भी 100 घंटे होगा। लर्निंग का रेट दिया हुआ था 80% अप्लाई होगा एवरेज टाइम पर, तो 100 का 80% दिया, फिर 80 का 80% दिया, फिर 64 का 80% दिया, इस तरह से चलेगा। और फिर हमने टोटल टाइम निकाला। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये आप क्या इस टेबल को देखते हुए, क्या इस टेबल को ये देखते हुए ये बता सकते हो कि पहला यूनिट कितनी देर में बनेगा? क्या कोई ये बता सकता है कि पहला यूनिट कितनी देर में बना होगा? क्या ये बता सकता है कोई कि पहला यूनिट जो है वो उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा है? ठीक है बताओ जरा। पहला पहला यूनिट बनने में 100 घंटे लगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि दूसरा यूनिट बनने में कितने घंटे लगे, मुझे ये बताओ कि दूसरा यूनिट बनने में कितने घंटे लगे, दूसरा यूनिट कितनी देर में बने, जरा गौर से सोच समझ कर बताओ, सोच समझ कर बताओ, 80 नहीं है आंसर, सोच समझ कर। जी हाँ आंसर है कि दूसरा यूनिट जो बना है ना, दूसरा यूनिट 60 आवर्स में बना है बेटा, दूसरा यूनिट जो है वो 60 आवर्स में बना है, दूसरा यूनिट 60 आवर्स में बना है। सर 60 आवर्स में कैसे बना है दूसरा यूनिट? देखो उसकी रीजन ये है, दो यूनिट्स का टोटल टाइम आ रहा है 160, दो यूनिट्स का टोटल टाइम आ रहा है 160, दो यूनिट्स का टोटल टाइम आ रहा है 160। टोटल टाइम का क्या मतलब, दो यूनिट्स का टोटल टाइम आ रहा है 160, दो यूनिट्स का टोटल टाइम आ रहा है 160। टोटल टाइम का क्या मतलब, टोटल टाइम का मतलब पहला दूसरा दोनों यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 160 का मतलब है पहला दूसरा दोनों यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 160 आवर्स लगे। और फिर आपको ये पता है कि पहला यूनिट बनाने के लिए 100 घंटे लगे थे, तो भाई अगर पहला दूसरा दोनों यूनिट बनाने के लिए 160 आवर्स लगे हैं और पहला यूनिट जो है उसको बनने के लिए अगर 100 घंटे लगे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरा यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ 60 आवर्स में बना होगा, दूसरा यूनिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 आवर्स में बना होगा, इससे ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा यूनिट जो है वो 60 आवर्स में बना होगा क्योंकि पहले दो यूनिट्स का टोटल टाइम 160 है, पहले दो यूनिट्स का टोटल टाइम 160 है। तो पहले दो यूनिट्स का अगर टोटल टाइम 160 है और पहला यूनिट 100 घंटे में बना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरा यूनिट 60 आवर्स में बना होगा, रादर देन कि वो 80 आवर्स में बना हो, रादर देन कि वो 20 आवर्स में बना, सही है। तो आपने क्या किया, आपने अगर ये ढूंढना था कि सेकेंड यूनिट को कितना टाइम लगा, आपने ये ढूंढना था कि सेकेंड यूनिट को कितना टाइम लगा, तो आपने टोटल टाइम फॉर टू यूनिट्स, दो यूनिट्स के टोटल टाइम में से टोटल टाइम फॉर वन यूनिट को माइनस कर दिया। टोटल टाइम फॉर टू यूनिट्स का मतलब है 160 और टोटल टाइम फॉर वन यूनिट का मतलब है 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो सेकेंड यूनिट है, मेरा जो सेकेंड यूनिट है वो 60 आवर्स में बना है, मेरा जो सेकेंड यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ 60 आवर्स में बना है, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपने दो यूनिट्स के टोटल टाइम में से एक यूनिट के टोटल टाइम को माइनस कर दिया,
तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो सेकेंड यूनिट है, आपका जो दूसरा यूनिट है, वो 60 आर्ड्स में बना होगा। इस तरह से ये टेबल अप्रोच काम करती है। क्लियर है? इसमें कोई मसला है तो बताओ। अच्छा, अब इससे एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ। टोटल 4 यूनिट्स को बनने के लिए कितना टाइम लगा? 4 यूनिट्स बनने के लिए टोटल टाइम कितना लगा? 4 यूनिट्स को बनने के लिए टोटल टोटल वक्त कितना लगा? 4 यूनिट्स को बनने के लिए टोटल टोटल कुल वक्त, इंटायर टाइम कितना लगा? 256। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 2 यूनिट्स, टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स में से टोटल टाइम फॉर 2 यूनिट्स को माइनस करो, टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स में से टोटल टाइम फॉर 2 यूनिट्स को माइनस करो, तो टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स को बनने के लिए टोटल 256 आवर्स लगे, 2 यूनिट्स को बनने के लिए 160 आवर्स लगे। डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस आ रहा है कितना? 96 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, 96 आवर्स का। ठीक है जी, डिफरेंस आ रहा है 96 आवर्स का। अब सर ये 96 आवर्स क्या है बताओ? 96 आवर्स क्या है? 96 आवर्स जो है, 96 आवर्स जो है वो टाइम लगा होगा थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ दोनों यूनिट्स को बनने के लिए। 96 आवर्स जो है ना, वो टोटल टाइम लगा होगा थर्ड एंड फोर्थ दोनों यूनिट्स को बनने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि 256 जो था वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 यूनिट्स का टाइम था। 256 जो था, 256 जो था वो पहले यूनिट को, दूसरे यूनिट को, तीसरे यूनिट को और चौथे यूनिट को बनाने का टोटल टाइम था। और 160 जो था वो पहले यूनिट को और दूसरे यूनिट को बनाने का टाइम था। तो अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे यूनिट को बनाने का जो टाइम है वो 256 है, और अगर हमारे पास पहले 2 यूनिट्स बनाने का टाइम जो है वो 160 है, तो उसका मतलब तीसरा और चौथा यूनिट जो है वो टोटल 96 आवर्स में बना होगा। तीसरा और चौथा यूनिट टोटल 96 आवर्स में बना होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2, ठीक है जी। मेथड नंबर 1 का आपने आइडिया ले लिया, मेथड नंबर 1 का आइडिया ले लिया आपने। अभी लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है। जब हम सवाल करेंगे तो ये मेथड्स बार बार अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सवाल आया सर, सिर्फ 3 यूनिट का टाइम में कितना टाइम लगेगा वो मालूम कर सकते हैं? नहीं मालूम कर सकते। देखो, टेबल अप्रोच से हम ये मालूम कर सकते हैं कि तीसरे और चौथे यूनिट को बनाने में टोटल टाइम 96 आवर्स लगा, लेकिन हम ये मालूम नहीं कर सकते कि सिर्फ तीसरे यूनिट को बनने में कितना टाइम लगा होगा। वो हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, टेबल अप्रोच जब आपके दिमाग में बैठ गई है, आपने इसमें से कुछ भी कॉपी नहीं करना। अभी आपने 3 घंटे तक मेरी बातें सुनते रहना। अभी हमने मेथड नंबर 1 किया, अब हम मेथड नंबर 2 पर आते हैं। फिर सवालात में इसकी प्रैक्टिस होगी, मजीद आपकी चीजें क्लियर होंगी। मेथड नंबर 2 जो है ना वो है आपका फॉर्म्यूला अप्रोच। मेथड नंबर 2 जो है ना वो है आपका फॉर्मूला अप्रोच। मेथड नंबर 2 जो है ना वो है आपका फॉर्मूला अप्रोच, और उसमें आप जो है ना वो फॉर्मूला लगाकर ये देखते हो कि भाई कितना टाइम लग रहा होगा। अब जरा इस फॉर्मूले को पहले नोट करते हैं, इस फॉर्मूले को नोट करते हैं। आपका जो फॉर्मूला है ना वो है y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b, y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b। अच्छा सर, इसमें y क्या होगा? इसमें y जो होगा ना वो होगा आपका एवरेज टाइम। सर, इसमें y क्या होगा? इसमें y जो होगा ना आपका वो होगा एवरेज टाइम। ठीक है जी, y आपका होगा एवरेज टाइम, एवरेज टाइम। सर, ए क्या होगा? टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, फॉर फर्स्ट यूनिट। ठीक है। सर, एक्स क्या होगा? यूनिट्स। सर, बी क्या होगा? बी होगा लॉग एल आर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब सर, ये एल आर क्या होगा? एल आर जो है ना वो होगा लर्निंग रेट। एल आर क्या होगा? एल आर होगा लर्निंग रेट।
ठीक है जी, वापस से सर बता दें एक बार, मैं वापस से बताता हूँ। देखो आपके पास सबसे पहले वाई है, वाई क्या है, वाई क्या है, वाई है एवरेज टाइम। सबसे पहले क्या है, वाई, वाई क्या है एवरेज टाइम। फिर ए क्या है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, ए है टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट का क्या मतलब है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट का मतलब ये है कि पहला यूनिट कितनी देर में बना होगा। एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ यूनिट्स। और सर बी क्या है, बी जो है ना वो है लॉग एल आर अपॉन लॉग टू, बी जो है वो है लॉग एल आर अपॉन लॉग टू, बी जो है ना वो है लॉग एल आर अपॉन लॉग टू। सर एल आर क्या है, एल आर है लर्निंग रेट, ठीक है, एल आर जो है ना वो है लर्निंग रेट, सही है ना। अच्छा सर अब आप अप्लाई करना सिखाएं, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, हम ऊपर वाला ही डेटा ले रहे थे, हमने जो मेथड नंबर वन किया था उस मेथड नंबर वन में, उस मेथड नंबर वन के हिसाब से पहले यूनिट को कितना टाइम लगता था, हमने जो मेथड नंबर वन किया उस मेथड नंबर वन के हिसाब से पहले यूनिट को कितना टाइम लगता था, हमने जो मेथड नंबर वन किया उसके हिसाब से पहले यूनिट को 100 घंटे लगते थे। तो फॉर्मूले में वो वाई है, ए है, एक्स है, बी है, एल आर है, क्या चीज़ है, 100 जो है फॉर्मूले के हिसाब से ए होगा, ठीक है सर। आपके पास ए है 100, अच्छा फिर बताओ जब हमने टेबल नंबर, टेबल अप्रोच किया, मेथड नंबर वन किया, तो लर्निंग का रेट कितना था, लर्निंग का रेट कितना था, लर्निंग का रेट था 80%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एल आर जो है ना, एल आर वो 80% हो गया, ठीक है जी, आपका जो एल आर है ना, एल आर वो 80% हो गया, क्लियर है भाई ये बात। तो आपका एल आर जो है ना वो 80% हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अच्छा अब सर अगर एल आर 80% है, 80% का मतलब 0.8 भी होता है, 80% का मतलब जो है ना वो 0.8 भी होता है, तो हम एक काम करते हैं बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी कैसे आएगा, लॉग 0.8, लॉग 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ टू, लॉग 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ टू। तो आप जरा कैलकुलेट करना, लॉग 0.8, लॉग 0.8 अपने कैलकुलेटर पे लॉग 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.2 करो, सॉरी लॉग ऑफ टू, कितना आता है, ये -0.322 आता है, चेक कर लीजिए भाई सब, -0.322 आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर पर, आपके कैलकुलेटर पर ये की मौजूद होगी, जिस की को आप इस्तेमाल करोगे ना तो लॉग एल आर अपॉन लॉग टू कैलकुलेट हो जाएगा, लॉग एल आर में लॉग 0.8 हमने लिखा डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ टू, तो माइनस का 0.322 आ रहा है, ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। अच्छा अब कोई मुझसे ये पूछता है, कोई मुझसे ये पूछता है यही डेटा देकर कि दो यूनिट्स का एवरेज टाइम बताओ, कोई ये पूछता है दो यूनिट्स का एवरेज टाइम बताओ। देखो वाई हमें एवरेज टाइम बताता है ना, तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू ए, यानी कि 100, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। तो वाई इज इक्वल्स टू 100, एक्स की जगह आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हम लिख लेते हैं 2 पावर -0.322। करिएगा इसको सॉल्व, अगर आप 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -0.322 करते हो तो आपका आंसर 80 आ रहा, आपका आंसर 80 आ रहा, यानी कि दो यूनिट्स का एवरेज टाइम 80 बनना चाहिए, दो यूनिट्स का एवरेज टाइम 80 बनना चाहिए, बिल्कुल सर बनना चाहिए, टेबल अप्रोच से भी हमारा दो यूनिट्स का एवरेज टाइम 80 आ रहा था, और आपने ये प्रूव कर दिया कि फॉर्मूले से भी सेम आंसर आता। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, टेबल में हमने 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम भी ढूंढा था, टेबल में जो 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम ढूंढा था वो कितना था सर, टेबल में आपने 4 यूनिट्स का जो एवरेज टाइम ढूंढा था वो 64 था, टेबल में आपने 4 यूनिट्स का जो एवरेज टाइम ढूंढा था ना वो 64 था। तो एक काम करते हैं ना, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी, ठीक है जी, एक्स की जगह मैंने 4 लिख दिया, बाकी सब तो सेम है ना, एक्स की जगह सिर्फ मैंने 4 लिख दिया, बाकी सब तो सेम है। तो अब मुझे बताओ कितना होगा, बताओ सॉल्व करो कैलकुलेटर पर, 4 की पावर डालनी है आपने माइनस का 0.322, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है, क्या 64 आ रहा है, क्या 64 आ रहा है, 64 आ रहा है, समझ में आई बात। तो देखो हमारे पास चाहे हम टेबल अप्रोच यूज करें चाहे फॉर्मूला अप्रोच यूज करें आंसर सेम आ रहा है,
चाहे हम टेबल अप्रोच यूज करें, चाहे हम फॉर्मूला अप्रोच यूज करें, आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, अब इधर किसी बच्चे का ये सवाल हो सकता है कि सर टेबल में तो हमें एवरेज टाइम भी पता चलता है और टोटल टाइम भी पता चलता है, तो क्या यहाँ पर फॉर्मूला अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ एवरेज टाइम पता चलेगा? क्या हमें टोटल टाइम पता नहीं चल सकता? भाई टेबल में तो एवरेज टाइम का कॉलम भी था और टोटल टाइम का कॉलम भी था, तो क्या फॉर्मूले वाली अप्रोच में हमें कभी भी टोटल टाइम नहीं पता चल सकता? बिल्कुल पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? सही सर, देखो अगर कोई मुझसे 2 यूनिट्स का टोटल टाइम पूछे, अगर कोई मुझे 2 यूनिट्स का टोटल टाइम पूछे तो फॉर्मूले के हिसाब से मुझे 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम 80 पता है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा। अगर मुझसे कोई 4 यूनिट्स का टोटल टाइम पूछे, अगर मुझसे कोई 4 यूनिट्स का टोटल टाइम पूछे तो मुझे 64 4 यूनिट्स का एवरेज टाइम पता है। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, 4 यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा, तो कोई मसला थोड़ी है इसमें। वही बात है, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कोई इशू, किसी किस्म का कोई भी मसला है तो मुझे बता दो। श्योर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले अप्रोच है। हाँ फिक्स है फॉर्मूले में, वो फिक्स है, सही है, फिक्स है फॉर्मूले में। तो एक हमारे पास टेबल अप्रोच आ गई, एक हमारे पास फॉर्मूला अप्रोच आ गई। क्लियर है? अच्छा, एनीवेज, तो हमने टेबल अप्रोच भी देख ली और हमने फॉर्मूला अप्रोच भी देख ली। हमें टेबल अप्रोच से भी सेम आंसर मिलेगा और फॉर्मूला अप्रोच से भी सेम आंसर मिलेगा। अब हम जो है वो एक छोटी सी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं और इसमें हम लर्निंग के स्टॉप होने को भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, ये एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आपने गौर से सुनना है। अच्छा एक काम कर लें, इस एग्जाम्पल से पहले ना इसकी इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भेज दें। इसकी पिक्चर ले लें आप लोग, इस पूरे की पिक्चर ले लें आप लोग और पिक्चर लेकर ना ग्रुप पर भेज दें। ठीक है, इसकी पिक्चर ले ली भाई? आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना उसमें काइंडली जल्दी से भेज दो, इसकी पिक्चर भेज दो भाई। कोई 2 3 बच्चे, सब लोग पिक्चर ले लो और उसके बाद फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। डने भाई, 5 सेकेंड के अंदर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फिर मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आप लोगों को। चलो जी, अब हम एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल में हम एक और चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और वो चीज़ ये है कि जब आपकी लर्निंग स्टॉप हो रही हो। लर्निंग स्टॉप वाली एग्जाम्पल है। हमने पढ़ा ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि लर्निंग जो है ना वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि लेबर बोलता है भाई मैंने जितने यूनिट्स बनाने थे और जो सीखना था सब कुछ हो गया, अब मैं मजीद टाइम, मेरा मजीद टाइम जो है ना वो रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है ना। और लेट से एग्जाम्पल में आपके पास जो टोटल यूनिट्स है ना, एग्जाम्पल में आपके पास जो टोटल यूनिट्स है ना वो है 600। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपके पास एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है कि लर्निंग लर्निंग स्टॉप्स एट 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स पर लर्निंग जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आपको ए यानी कि टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है 24 घंटे, ए यानी कि टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है 24 आवर्स, लर्निंग रेट, लर्निंग का जो रेट है, लर्निंग का जो रेट है, लर्निंग का जो रेट है वो आपको दिया हुआ है, अल्लाह भला करे, 95%। लर्निंग का जो रेट है वो दिया हुआ है 95%। ठीक है,
और उसके बाद आपको आली रेट पर आर रेट जो दिया हुआ है ना, आली रेट जो दिया हुआ है, आली रेट जो दिया हुआ है, आली रेट जो दिया हुआ है, आली रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है $15 पर आर, ठीक है। और अल्लाह भला करे आपको जो है ना वो 600 यूनिट्स की आपको 600 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 600 यूनिट्स की आपने क्या करनी है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मैं वापस से बताता हूँ आपको जो है ना वो टोटल यूनिट 600 दिए हुए हैं, लर्निंग 200 यूनिट्स पर स्टॉप होगी, ए यानी कि पहले यूनिट पर 24 घंटे लगेंगे, लर्निंग का रेट 95% दिया हुआ है, आली रेट $15 पर आ दिया हुआ है। आपको 600 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, आपको 600 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। आप लोगों के पास फॉर्मूला जो था वो था वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी। मैं 2 मिनट का यहाँ पे पॉज दूंगा, आप लोग इसको कॉपी करें, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, मैं आपको स्क्रॉल अप कर देता हूँ, ये सवाल मैं करवा दूंगा, आप इसको देखें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 से 5 मिनट का पॉज देता हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, सही है भाई, स्टार्ट करें भाई। अब ये सवाल हमें सॉल्व करना है, सही है ना, ये सवाल हमें सॉल्व करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, डन है भाई। अच्छा भाई एक चीज जरा मैं देख लूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चले तो हमने ये कहा कि भाई ये हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है, सही है ना, और इसको हमें सॉल्व करना, क्लियर है भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि कंपनी जो है वो 600 यूनिट्स टोटल बनाती है, लेकिन 200 यूनिट्स पर उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। पहला यूनिट जो है वो 24 घंटे में बनता है और लर्निंग का रेट जो है वो 95% है और आली रेट जो है वो 15 है, और आपको लेबर की टोटल कॉस्ट बतानी है कि लेबर जो है वो कितनी टोटल पैसे कितने लेगा, क्या कॉस्ट होगी, सही है। अच्छा अब एक और चीज लिखी हुई है कि लर्निंग स्टॉप से 200 यूनिट्स, टाइम टेकन फॉर 200 यूनिट इज 200 यूनिट इज द टाइम टेकन फॉर एनी यूनिट आफ्टरवर्ड्स। इस तरह का कोई जुमला लिखा हुआ है, यानी कि हमने ये कह दिया कि 200 यूनिट पर जितना वक्त लगेगा, 200वें यूनिट बनाने में जितना वक्त लगेगा, 200 यूनिट के बाद जितने भी यूनिट बनेंगे हर यूनिट बनाने के लिए वही वक्त लग रहा होगा, वही टाइम लग रहा होगा, उतना ही टाइम लग रहा होगा, सही है। और हमें 600 यूनिट्स का जो है वो टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। अच्छा सबसे पहले हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी, ये इसमें वाई जो होता है ना वो एवरेज टाइम होता है, वाई जो होता है वो एवरेज टाइम होता है। हम करते ये हैं कि हम ये देखते हैं कि एवरेज टाइम फॉर 200 यूनिट्स कितना है। तो फॉर्मूला लगेगा ए एक्स पावर बी। अच्छा बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था log LR अपॉन log 2। तो बी कैलकुलेट करने के लिए log 0.95 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। तो b जो आएगा log 0.95 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 कितना बनेगा, log 0.95 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 इज -0.074।
यहाँ पर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं -0.074, अब इसको सॉल्व करते हैं, 200 की पावर -0.074 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये आ रहा होगा आपका 16.22 या 16.2156, 16.2156, 16.2156 क्या है, 16.2156 जो है वो 200 यूनिट्स बनाने का एवरेज टाइम है। अच्छा टोटल टाइम बताओ 200 यूनिट्स का, टोटल टाइम बताओ 200 यूनिट्स का। तो अगर टोटल टाइम बताना होगा हमें 200 यूनिट्स का, तो टोटल टाइम 200 यूनिट्स का कैसे आएगा, 16.2156 मल्टीप्लाइड बाई 200, 16.2156 मल्टीप्लाइड बाई 200, 16.2156 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये बन जाएगा आपका 3243, 3243। अच्छा फिर एवरेज टाइम फॉर 199 यूनिट्स निकालो, रीजन इसकी बताता हूँ। तो उसके लिए आप लिखोगे ए एक्स पावर बी, तो 199 यूनिट्स का एवरेज टाइम कितना आएगा, 199 की पावर माइनस का 0.074 इंटू 24, ये आ रहा है 16.2217, 16.2217। टोटल टाइम बताओ 199 यूनिट्स का, टोटल टाइम 199 यूनिट्स का आएगा 16.2217 मल्टीप्लाइड बाय 199, तो 16.2217 मल्टीप्लाइड बाय 199 ये बन रहा होगा आपका 3228.11, 3228 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 200 यूनिट का टाइम आ जाएगा, 200 यूनिट का टाइम आ जाएगा, 200 यूनिट का टाइम 3243 -3228, तकरीबन 15 घंटे, तकरीबन 15 घंटे लगते हैं, तकरीबन 15 घंटे लगते हैं किस चीज को, लगते हैं 200 यूनिट को बनने में तकरीबन 15 घंटे लगते हैं, 200 यूनिट को बनने में तकरीबन तकरीबन 15 घंटे लगते हैं, एग्री। ये 200 यूनिट को बनने का टाइम आपके सामने आ गया, 200 यूनिट जो है वो तकरीबन तकरीबन 15 घंटे में बनता है। अब अगर मुझे 600 यूनिट्स का टोटल टाइम चाहिए, अगर मुझे ये मालूम करना है कि 600 यूनिट्स का टोटल टाइम क्या होगा, अगर मुझे ये मालूम करना है कि 600 यूनिट्स का टोटल टाइम क्या होगा, तो 600 यूनिट्स का टोटल टाइम निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि पहले 200 यूनिट्स कितने घंटे में बने होंगे बताओ, पहले 200 यूनिट्स कितने घंटे में बने होंगे, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 200 पहले 200 यूनिट जो है वो कितने घंटे में बने होंगे, पहले 200 यूनिट बने 3243 आवर्स में। और फिर अगर मैं आपसे ये बोलूं 201 से लेकर 600, 201 से लेकर 600, 201 से लेकर 600, 201 से लेकर 600, ये यूनिट्स कितनी देर में बने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 201 से 600 ये 400 यूनिट्स होता है, और हमारी वर्किंग के हिसाब से हर यूनिट 15 घंटे में बना होगा, लिहाजा 6000 घंटे यहाँ पर लगे होंगे। तो मेरा जो टोटल टाइम आएगा, जो टोटल टाइम लगा होगा, वो टोटल टाइम लगा होगा 9243 आवर्स, 9243 आवर्स, एग्रीड। भाई पहले 200 यूनिट जो है वो 3243 आवर्स में बने होंगे, और अगले जो 400 यूनिट्स हैं वो 15 घंटे के हिसाब से 6000 घंटों में बने होंगे, तो जो टोटल टाइम बनता है वो बन जाता है आपका 9243 आवर्स, 9243 आवर्स, क्लियर है। और 1 घंटे के अगर मैं $15 देता हूँ, 1 घंटे के अगर मैं $15 देता हूँ, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है 9243 इंटू 15, 9243 इंटू 15, 9243 इंटू 15,
यानी कि 138645, 138645, ये मेरी टोटल कॉस्ट बन रही है। ठीक है, ये मेरी टोटल कॉस्ट बन रही है, मैंने टोटल कॉस्ट निकाल ली। क्लियर हो गया? हाँ, राउंड ऑफ किया हुआ, राउंड ऑफ से कोई मसला नहीं है यार, आपने वर्किंग सही करी है तो राउंडिंग ऑफ के मार्क्स नहीं कटते। अच्छा, अब देखो इस सवाल में आपने क्या किया, इस सवाल में आपने पहले जो है ना नंबर ऑफ आर्ट्स की वर्किंग करी और फिर नंबर ऑफ आर्ट्स को जो आपका आर्ली रेट था ना उससे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आर्ली रेट 15 था। नंबर ऑफ आर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए आपने जो है वो ये देखा कि भाई 600 यूनिट्स टोटल बन रहे थे, 200 यूनिट्स पर लर्निंग रुक रही थी, तो आपने ये देखा कि 200 यूनिट्स को बनाने का टोटल टाइम कितना है, 199 यूनिट्स को बनाने का टोटल टाइम कितना है, इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया तो आपको पता चल गया कि 200 यूनिट कितनी देर में बनेगा। जब आपको ये पता चल गया कि 200 यूनिट कितनी देर में बनेगा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये देख लिया कि भाई पहले 200 यूनिट्स कितनी देर में बने और उसके बाद 201 से लेकर 400 600 यानी कि ये जो 400 यूनिट्स है वो 15 घंटे के हिसाब से कितनी देर में बने। आपने टाइम को करा ऐड, जब आपने टाइम को ऐड कर दिया तो आपने उसको आली रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके सवाल में आली रेट भी 15 का था तो आपने आली रेट से मल्टीप्लाई किया और आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई मसला? हाँ, आज की क्लास के नोट्स मैं ग्रुप पे बिल्कुल शेयर कर दूंगा, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है कोई मसला है तो मुझे बताओ। अच्छा, अब एक और चीज मैं करता हूँ, कुछ सवालों में वो चीज़ टेस्ट हुई भी होती है तो वो भी ज़रा समझाना ज़रूरी है। मुझे ये बताओ कि पहला यूनिट हमारी इस एग्जाम्पल के हिसाब से पहला यूनिट जो है वो कितनी देर में बने। मुझे ये बताओ कि हमारी इस एग्जाम्पल के हिसाब से पहला यूनिट कितनी देर में बना, 24 घंटे में बना। अच्छा, अगर 24 घंटे में बना है और लेबर को एक घंटे के $15 देता हूँ, अगर 24 घंटे में बना है और लेबर को एक घंटे के $15 देता हूँ तो पहले यूनिट की कॉस्ट कितनी है, पहले यूनिट की कॉस्ट कितनी है 24 घंटों के $15 के हिसाब से, कितने बने, $360 बने। ठीक है, ये 360 कैसे आया वापस से समझा दूं, 24 मल्टीप्लाइड बाई 15, 24 घंटे पहले यूनिट को बनने के लिए लगते हैं और एक घंटे के मैं $15 देता हूं तो $360 या 360 रुपीज का टोटल खर्चा होता है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होंगे आपके पास आपके पेपर में आएंगे कि जिसमें आपको पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम नहीं दिया होगा। आई रिपीट, पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम नहीं दिया होगा, पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम नहीं दिया होगा बल्कि पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट दी हुई होगी। जिस तरह से यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, आपको 24 घंटे इंटू 15 क्या होगा 360। ये क्या है, पहले यूनिट पे लगने वाली क्या आ गई, पहले यूनिट पे लगने वाली क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो एज्यूम करो कि आपको 24 नहीं दिया हुआ था, यानी कि पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम नहीं दिया हुआ था बल्कि पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट दी हुई थी और सवाल सॉल्व करना था आपको। तो अगर पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम जो है वो नहीं दिया हुआ और पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट दी हुई है ना, तो फिर आपका ये जो फॉर्मूला है ना वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी। देखो, पहले हमने क्या किया, एक ही जगह क्या डालते थे, एक ही जगह हम पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम डालते थे। एक ही जगह अगर पहले यूनिट पे लगने वाला टाइम डालोगे तो y एवरेज टाइम देगा, y जो है वो एवरेज टाइम देगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट डाल दोगे, अगर आप एक ही जगह पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट डाल दोगे तो y आपको एवरेज कॉस्ट देगा। ठीक है, तो हम इस तरह से जरा सॉल्व करते हैं, यानी कि अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ढूंढते हैं एवरेज कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स अगर ढूंढनी हो तो अब एक ही जगह पहले यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट लिख देंगे 360 मल्टीप्लाइड बाई 200 और पावर में डाल दो माइनस का 0.074। ठीक है,
तो आप देखो 200, इसको सॉल्व करो जरा। ये आ रहा होगा तकरीबन 243.24, तकरीबन 243.24 के आसपास आ रहा है। अच्छा, फिर टोटल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स करते हैं। टोटल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स के लिए क्या करेंगे, 243.24 मल्टीप्लाइड बाई 200। तो 243.24 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये आपको 48648 मिलेगा, 48648। फिर आप निकालो एवरेज कॉस्ट फॉर 199 यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट ऑफ 199 यूनिट्स में भी ए जो है वो 360 होगा। 199 पावर में 0.074, तो 199 और पावर में 0.074 इंटू हमने 360 किया तो ये आ रहा है 243.33। ये आ रहा है 199 पावर में 0.074 इंटू 360, ये आ रहा है 243.33, 243.33। टोटल कॉस्ट देखते हैं 199 यूनिट्स की, तो हम कर देंगे 243.33 मल्टीप्लाइड बाय 199। तो 243.33 मल्टीप्लाइड बाय 199 ये आ जाएगा 48423, 48423 है ना, 48423। अब आप ढूंढ लो टोटल 200 यूनिट की टोटल कॉस्ट, 200 यूनिट की टोटल कॉस्ट, 200 यूनिट की टोटल कॉस्ट में क्या होगा, 48648 माइनस 48423, तो 48648, 48648 माइनस 48423, यानी कि आपके पास आ जाता है 200 यूनिट की कॉस्ट 225। अब आप जैसे आपने ऊपर वर्किंग करी थी वैसे ही अगर वर्किंग करते हो तो पहले 200 यूनिट्स को, पहले 200 यूनिट्स को बनाने के लिए जो तो टोटल खर्चा लग रहा है वो है 48648, 48648। और फिर उसके बाद अगले जो आपके 201 से लेकर 600 ये वाले यूनिट्स हैं इनको बनाने के लिए खर्चा लग रहा है 225 × 400। तो 225 × 400 कितना बनता है, 225 × 400 बन जाता है आपका 90,000। ठीक है, तो आप देखो आपका टोटल खर्चा इस दूसरे तरीके से कितना बन रहा है, 90,000 प्लस 48648 ये बन रहा है 138648, 138648। 3 रुपए का राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क है, अदरवाइज दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, देखो उसने हमें ये बोला था कि लर्निंग 200 यूनिट पर रुकेगी, तो लर्निंग जब 200 यूनिट पर रुकेगी तो हमें 200 यूनिट्स की कॉस्ट में से 199 यूनिट्स की कॉस्ट को माइनस करेंगे तो 200 यूनिट की कॉस्ट आएगी, और जो 200 यूनिट की कॉस्ट आएगी वो ही आगे सारे यूनिट्स की कॉस्ट होगी। क्लियर है? ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखो कि भाई दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है, दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कोई आंसर में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको सवाल में पहले यूनिट का टाइम दिया हो तो फिर आप एवरेज टाइम टोटल टाइम वाली वर्किंग करोगे और एंड में 15 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा 243 क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला कॉस्ट को आवर्स में कन्वर्ट? हाँ कॉस्ट को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसूली तौर पर जनरली क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट मालूम करनी होती है। ठीक है, तो इसमें आप कोई मसला है तो आप बताओ। सही है, कॉस्ट इक्वल टू है तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है
देखो वो राउंडिंग राउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम की वजह से, और कुछ भी नहीं है, राउंडिंग ऑफ की वजह से। थोड़ा सा अगर आप उसको एग्जैक्ट लोगे ना, देखो फाइनल आंसर में कोई खास फर्क नहीं है ना, फाइनल आंसर में आपके पास यहाँ पर 138648 आ रहा है और यहाँ पर 138645 आ रहा है, यानी कि सिर्फ 3 रुपए का फाइनल आंसर में फर्क है। वो इसलिए क्योंकि सारी वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज 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 है। ठीक सही है हसन बेटा, 225 जो है वो आपके पास जो है वो 200 यूनिट की कॉस्ट आ रही है ना, 225 200 यूनिट की कॉस्ट आ रही है। एक यूनिट के लेबर को $15 देते हो या रुपीज देते हो, तो इसका मतलब अगर मैं 225 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 15, तो आता है 15। पहले मेथड में भी तो यही हो रहा था, देखो आपका जो 200 यूनिट था वो 15 घंटे में ही बन रहा था, आपका 200 यूनिट 15 घंटे में ही बन रहा था, ये भी यहाँ से टैली हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये बेसिक एग्जांपल सारी की सारी खत्म हुई, तब हम सवालों की प्रैक्टिस